हर चैनल हर न्यूज़पेपर पे खबर है। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा दिस इज नॉट राइट। ये बकवास है। तो वो लोग कौन थे? घर वाले थे मेरे। और आप कौन है? मैं आपके मंगेतर की बीवी हूं। मेरी मंगेतर? वैसे आपको हमारी बात में इस तरह बोलना नहीं चाहिए था। मैंने कहा कुछ कहा? उन्होंने पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। आपको ये सारा कुछ मेंशन करना जरूरी था क्या? हम उसको सही वक्त पे सही तरीके से समझा देते। अच्छा, तो मेरा तरीका सही नहीं था या वक्त? भाई उसके मंगेतर ने रातों रात शादी कर ली, अब थोड़ी सी सिंपैथी तो वो भी डिजर्व करती थी ना। किसी को सबसे बड़ी सिंपैथी सच बोलकर दी जा सकती है और मैंने वही की है। आप तो ये इस वक्त इसलिए कह रही है ना क्योंकि आपका सच फायदेमंद है। आफ्टर ऑल सालार आपके साथ है। अच्छा, अगर आप मानती हैं कि सालार मेरे साथ है तो फिर इस बात को सबके सामने अनाउंस करने में क्या प्रॉब्लम है? वो जो अभी गई है ना, वो कल तक सालार की मंगेतर थी। और ये रिश्ता दोनों फैमिलीज की रजामंदी पर हुआ था। आपकी तरह चोरी छुपे नहीं आई थी वो। रिश्ता चोरी छुपे हो या ऐलान करके, उसके चलने की कोई गारंटी नहीं होती। अच्छा, तो इस लॉजिक से तो आपके टिकने की भी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। दुनिया की हर करामत चीज की तरह रिश्तों की भी एक्सपायरी डेट होती है। और एक्सपायरी डेट खत्म हो जाने के बाद जान बचाने वाली दवाई भी फेंक दी जाती है। तो फिर जान नहीं बचाती। लेकिन हाँ, मैं तो अभी नई नई आई हूं तो अभी वारंटी तो है, इसलिए अभी मैं नहीं जाऊंगी। I simply cannot deal with this girl. ताहिर, आप सबा को बुलाएं, जुनेद को फोन करें। आपको इसके साथ डील नहीं करना। जो भी गई है यहां से, आपको उसके साथ डील करना है।